गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज वैसे तो कल हमने करंट लायबिलिटी के बारे में बताया था, आज फिर दोबारा देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी आर विच लायबिलिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन द वन ईयर। यानी ऐसी लायबिलिटी जो एक वर्ष के अंदर अंदर कैश में अथवा कैश से रिलेटेड कैसी टाइप की किसी यानी इक्विवेलेंट ऑफ कैश में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो ऐसी लायबिलिटी को हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं और आपके ट्रेड पेबल्स हैं एक्सेप्ट्रास, इनको शो करते हैं। तो करंट लायबिलिटी आर ओब्लिगेशंस और डेट दैट आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर। यानी कहने का तात्पर्य वही है, विच लायबिलिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन द वन ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल। जो भी ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड कर रखी है बिजनेस में, उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, ऑपरेटिंग पीरियड के अंदर अगर कोई लायबिलिटी चेंज होती है तो उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी के बाद में अब दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी विच लायबिलिटी विच इज कन्वर्टेड इनटू द कैश और कैश इक्विवेलेंट आफ्टर वन ईयर, यानी जो एक वर्ष के बाद में। यानी साधारणतः ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है वो 12 महीने की होती है। 12 महीने के बाद में अगर कोई एसेट, कोई हमारी लायबिलिटी कैश में कन्वर्ट होती है तो उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आर इज एज फिक्स्ड लायबिलिटी भी कहते हैं इसे। नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज ऑब्लिगेशंस और डेट दैट आर पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ वन ईयर, यानी वन ईयर के बाद में जो पेमेंट होती है, जैसे बैंक लोन है, डिबेंचर्स है या कोई पब्लिक से हमने कोई लोन ले रखा है, तो वो सारी चीजें जो एक वर्ष के बाद में पेमेंट करनी है, इट इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद में आती है रिसिप्ट। बिजनेस में कुछ रिसिप्ट होती है जो समय समय पर बिजनेस के दौरान, जब बिजनेस चल रहा होता है यानी ऑपरेट कर रहे होते हैं, जब हम बिजनेस को करंट में, मतलब करंट पोजीशन में होता है चलती हुई में, उस समय जो रिसिप्ट होती है या कुछ पेमेंट्स होते हैं उनको हम दिखाते हैं। तो उसी की श्रेणी में रिसिप्ट आता है। रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ हैविंग रिसीव्ड और टेकन इनटू वन पर्सन वन पोजेशन a specified amount of money, goods and etc. receipt. ये सारी receipt कहलाती हैं। The amount of the quantity received, the act of the receiving or the state of being received. Receipt can be classified as, receipt को हम ऐसे classified कर सकते हैं जैसे revenue received. Revenue received आर दोज रिसीव्ड विच आर एक्यूरेट बाई नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस लाइक मनी रिसीव्ड सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। कहने का मतलब जो है, जिस समय हमारा बिजनेस करंट पोजिशन में चल रहा होता है उस समय जो हमको रिसीप्ट होती है, जैसे सपोज दैट वी हैव टू सेल द गुड्स, हमने कोई माल बेचा और माल बेचने से उससे जो है 20,000 रुपए का माल बेचा और 20,000 रुपए रिसीव्ड किए, इट इज नॉन एज रेवेन्यू रिसीव्ड, इसे हम रेवेन्यू रिसीव्ड कहेंगे। दूसरा होता कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट आर दोज रिसीप्ट विच आर एक्यूरेट बाई अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस लाइक मनी रिसीव्ड बाई सेल ऑफ फिक्स असेट्स। कैपिटल रिसीप्ट ऐसी रिसीप्ट होती है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, या हमने कोई अन्य चीज बेची, सपोज दैट हमने फर्नीचर बेचा
और फर्नीचर बेचा है तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। फर्नीचर बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा तो बिजनेस है सेल ऑफ द गुड्स एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की खरीदा बेची हम करते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमने कोई फिक्स फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर बेचने से हमें 1,00,000 रुपए प्राप्त हुए, इट इज नॉट रेवेन्यू रिसीव्ड, इट इज एन कैपिटल रिसीव्ड। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस वी हैव टू एक्सपेंस, वी हैव टू पे टू द एक्सपेंडिचर्स इज नोन एज द एक्सपेंसेस, कॉस्ट इंकर्ड बाई द बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आर नोन एज एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेंट है, वेजेज है, सैलरीज है, इंटरेस्ट है। हमने रेंट पर कोई शॉप ली तो वो बिजनेस करने के लिए ली है, अर्निंग को बढ़ाने के लिए ली है, इसलिए रेंट को हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। वेजेज है, किसी से हमने कोई काम कराया, काम करा करके उससे जो है हमें रेवेन्यू रिसीव करना है। सेल ली है, हमने किसी मुनीम को या किसी को क्लर्क को रखा है काम पर, तो क्लर्क उसके बदले में सेल ले लेता है, तो क्लर्क से हम सेवाएं लेते हैं, उसके बाद में उसे सैलरी देते हैं, तो इसे हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर क्या होती है, एक्सपेंडिचर मनी इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। हमने कोई एसेट्स एक्वायर किए और उसके बदले में हमें पेमेंट करना है, कोई गुड्स हमने एक्वायर किए, सर्विस एक्वायर की, इज नोन एज द एक्सपेंडिचर। तो द एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड, एक्सपेंडिचर को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर, इट इज द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो ये हमने एक्सपेंडिचर के बारे में जाना, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के समय चलते समय जो किए जाते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, इट इज नॉन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, इंटरेस्ट है एंड एक्सेट्रा। सेम दैट अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी इट इफ बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन वन ईयर, यानी जो एक वर्ष के बाद, मोर देन वन ईयर, एक वर्ष से अधिक समय में रिसीव किया जाए या एक वर्ष के बाद, और जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं हमको, इट इज नॉन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज की और उससे हमें अर्निंग करनी है। ऐसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट्स ऑफ विच इज ड्राइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हमें एक्सपेंडिचर करना है, हमें एडवर्टाइजमेंट कराना है। एडवर्टाइजमेंट हमें क्यों कराना है, क्योंकि हमें बिजनेस की सेल्स को प्रमोट करना है, सेल्स को बढ़ाना है, इसलिए हमने जो है
एडवर्टाइजमेंट कराया, लेकिन एक मुस्तकर पैसा उसका एडवर्टाइजमेंट का पे करते हैं, तो वो जो है हमारा क्या होगा, एक एक मुफ्त पैसा है वन टाइम में ही देते हैं, लेकिन हम वन टाइम में ना दे करके उसे क्या कैसे देंगे, ईयर टू ईयर देंगे, जिससे कि जरूरत पड़ने पर हम कभी भी उस एडवर्टाइजमेंट में कोई चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अब बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस इज एन इकोनॉमिक activities that affect financial positions the business and can be measured in the terms of money, यानी business transactions उसे हम उन्हें कहते हैं जो business की तो activity होती है, लेकिन वो कैसी activity होती है, economic activity, और जिसे हम money में measured कर सकते हो, ऐसे जो है इनको हम business transactions कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंट्स, अकाउंट्स रेफर टू समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द रिलेवेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड एन क्रेडिट साइड। कहने का मतलब यह है, हमने कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शंस की, सपोज दैट हमने राम को माल बेचा, तो एक राम का पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें राम ने जितने भी पूरे महीने में या पूरे वर्ष में जितना भी माल खरीदा होगा, बेचा होगा, या कुछ पैसा दिया होगा या कुछ पैसा लिया होगा, आर दो इज रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। इसे हम एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे, कहां रिकॉर्ड करेंगे, राम के अकाउंट में। तो राम के अकाउंट को जब बनाएंगे तो उसके दो साइड होंगे, टी शेप में बनता है। टी शेप का मतलब वन साइड इज द डेबिट साइड एंड अनदर साइड इज द क्रेडिट साइड। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है इट इज नोन एज द डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड जो होती है इट इज नोन एज द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल किसे कहते हैं, तो कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है, रुपए इन्वेस्ट करता है या कोई मनी इन्वेस्ट करता है इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, ओनर के द्वारा लगाई गई हो, और साथ ही साथ उसका मेन मोटो टू अर्न द प्रॉफिट। इट मे बी ब्रॉट इन द फर्म ऑफ द कैश और एसेट्स बाय द ओनर, तो इसे हम कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट ड्रॉइंग, ड्रॉइंग जो होती है हमारी, ड्रॉइंग का मतलब होता है हम बिजनेस में से या तो कुछ माल निकाल लेते हैं या बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, तो बोथ और बोथ, या पैसा भी निकाल लिया हमने और माल भी निकाल लिया, लेकिन वो माल और पैसा जो निकाला गया है वो होना चाहिए पर्सनल यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए, हाउस होल्ड पर्पज के लिए लिया जाना चाहिए, जिसका पर्पज नॉट फॉर द सेल करना ना हो। तो जब हम बिजनेस से कुछ पैसा या रुपया पर्सनल यूज के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। जैसे सपोज दैट राम है, उसकी एक दुकान है और राम का बर्थडे है, और राम बर्थडे पर अपने मित्रों को बिजनेस में से 5,000 रुपए निकाल करके और किसी रेस्टोरेंट में जाकर के दावत खिलाता है, तो जो वो दावत खिला रहा है वो बिजनेस के पर्पज से नहीं खिला रहा है, बिजनेस नहीं खिला रहा उसको, बिजनेस में से अपने मित्रों को यानी पर्सनल यूज पर खर्च कर रहा है, इसलिए इट इज नोन एज ड्रॉइंग, इसे हम ड्रॉइंग कहेंगे। बिजनेस और बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट एंटिटी, दोनों को अलग अलग माना गया है, बिजनेस को अलग माना गया है
और बिजनेसमैन को अलग माना गया है। नेक्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं हम? सेम दैट द प्रॉफिट का मतलब होता है द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू। इट रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हमने कोई माल बेचा और बेच करके उससे कुछ पैसा लिया, या कहने का मतलब यह कम कीमत में खरीद करके और ज्यादा कीमत में बेच दिया, तो ये क्या हमारा होता है? प्रॉफिट होता है। हम मैथ में भी पढ़ते हैं प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज। सेल्स माइनस परचेज हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सेल्स ज्यादा भी है और परचेज कम का किया, यानी कम कीमत में खरीद कर और ज्यादा कीमत में बेचते हैं, तो साधारणतः हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, तो इसे हम कहेंगे प्रॉफिट। इसे हम कहेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज द गेन। गेन मतलब होता है अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस इंसिडेंशियल्स बिजनेस सच एज सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। देखो गेन इज नॉट द रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट। हालांकि गेन इज एज प्रॉफिट बट इट इज नॉट द प्रॉफिट। इट इज नॉट कॉल्ड द प्रॉफिट। प्रॉफिट तो होता है किसी माल को बेच करके और कम कीमत में खरीद कर और ज्यादा कीमत में बेच कर, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। गेन का मतलब होता है जब किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या एसेट्स एप्रिशिएट हो। सपोज दैट मैं जो है लकड़ी खरीद के लाया और मैंने लकड़ी खरीद करके ला करके और खुले मैदान में डाल दी, दूसरे दिन बारिश हो गई, जिस दिन मैं खरीद के लाया था उस दिन उसकी कीमत थी, उस दिन उसका वेट था 140 किलो, लेकिन वो मैंने ला के डाल दी, दूसरे दिन मैंने देखा कि जो है बारिश पड़ गई और बारिश के बाद में फिर वही लकड़ी मैंने तुलवाई तो मालूम पड़ा वो 50 किलो हो गई, तो उसका जो वेट बढ़ गया है उसे हम गेन कहेंगे। और वेट के कारण प्रॉफिट बढ़ जाएगा फिर, तो एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स होता है, यानी वो एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, सेल और परचेज नहीं होता है, इसलिए उसको हम गेन कहेंगे। लॉस। लॉस हम गेन में हमारा दो प्रकार का होता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द गेन। एक होता है एबनॉर्मल गेन और एक होता है नॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एबनॉर्मल गेन वो होता है जो मानवीय कारणों के द्वारा बढ़ा, और नॉर्मल गेन जो नेचुरल कारण से, प्रकृति के कारण से। तो नेचुरल आधार पर अगर कोई एसेट्स बढ़ती है तो उसे हम नॉर्मल गेन कहेंगे, और जो मानवीय कारणों से या जानबूझ करके अगर वजन बढ़ाया जाता है किसी एसेट्स का तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा लॉस। लॉस एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड ओवर इज रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म एज लॉस। लॉस जैसे प्रॉफिट की डेफिनेशन होती है सेल्स माइनस परचेज, ऐसे ही लॉस की इसकी अपोजिट डेफिनेशन होगी कि परचेज माइनस सेल्स, यानी जब हमने ज्यादा कीमत में कोई वस्तु खरीद करके और कम कीमत में बेचा है तो उसे हम लॉस कहेंगे। यहां पर लॉस होगा और ये भी रेवेन्यू नेचर का ही होगा, तो लॉस की डेफिनेशन हो गई एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। जब रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए
तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। अब जैसे गेन होता है ऐसे डेफिसिट और होता है, बता देना चाहूंगा, डेफिसिट और होता है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना, और ये भी नॉन रिकरिंग लॉस होता है। जैसे कि मतलब एक तरह से मान लीजिए आप डेफिसिट है, डेफिसिट आर द टू टाइप्स, नॉर्मल डेफिसिट और एबनॉर्मल डेफिसिट। ऐसी डेफिसिट जो जानबूझकर की गई है एबनॉर्मल है, जैसे सपोज दैट गोदाम में माल है और गोदाम में हमने माल रख रखा है और वो 100 किलो है, और 100 किलो माल मान लो में से 2 किलो माल चोरी हो जाता है, तो चोरी तो भाई मानवीय कारणों से होगी, जानबूझ करके की होगी, इसीलिए तो कम हो गया हमारा पैसा, तो इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, एबनॉर्मल डेफिसिट कहेंगे, और यह लॉस भी बोल सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। और मान लो किसी वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो अपने नेचर के कारण कमी होती है उस प्रोडक्ट में या वस्तु में, तो उसे हम एबनॉर्मल नॉर्मल डेफिसिट कहेंगे, नॉर्मल लॉस कहेंगे। तो ये होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।